वो जो आदमी है उसका वीकनेस आप देख लें, इसका देख लिया तो चेक करें कि वो चीज़ उसने दिखा दी है जो ऊपर उसके मतलब वो जो पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो यू आर विल बी वेल। सो आज हम फोटोग्राफी करें, नेचर फोटोग्राफी करेंगे और फॉर आउट में दिखाऊंगा। जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ 1300D है, तो कुछ शॉट लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। टोटली ओरिजिनल क्लिक्स दिखा रहा हूँ एडिटिंग से पहले कि आप कंपेयर कर सको कि किस तरह से आपके कैमरे की क्वालिटी कैनन 1300D के साथ मैच कर रही है। और ये जो एडिटिंग है ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे की गई है। ऊपर से बेसिकली पर्पज वो ये है, इसका जूम क्लिक करेंगे ना थोड़े, इसका जूम टेस्ट भी हो जाएगा। ये है ना डिस्टेंस 35 मीटर से ज़्यादा है। और ये देखें कैनन 1300D में आपको कमाल की क्लैरिटी लेवल मिलेगा, आपको एक कमाल की क्वालिटी मिलेगी। आप जितना जूम करोगे आपको ना सिर्फ उतना बैकग्राउंड ब्लर और उतनी ही इमेज आपको क्लियर नजर आएगी। ये आउटस्टैंडिंग फीचर है इस कैमरे। एक सन क्लिक करता हूँ सीधा नेचर शॉट के लिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए और आउटडोर शूट्स के लिए और जूम क्लिक्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एक आदमी है उसका डिस्टेंस आप देख लें, इसका मैं मैक्सिमम जूम करूंगा जितना होगा। अब जब मैंने इस डिस्टेंस को कंपेयर किया अपने कंप्यूटराइज ग्राफ के साथ तो ये 45 मीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा था। और इसका आप क्लैरिटी लेवल देखें कि किस तरह से उसने उसको ना सिर्फ जूम किया बल्कि उसने उसको क्लियर भी किया है, मतलब आंखों से वो बंदा पहचाना नहीं जा रहा था और जब कैमरे में देखा तो उसकी आप खुद देखें कि किस तरह से जूम में आप इजिली देख सकते हो। 75-300mm में अच्छा खासा एक क्लैरिटी लेवल, जूम लेवल और बैकग्राउंड ब्लर लेवल मिल जाता है आराम। हम वो आगे वाला नीला ड्रम है ना उसको भाई, ये जो अब मैं करने वाला हूँ ना कैनन 1300D के साथ और लेंस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 75-300mm है, वो एक लेवल है। ये इस ड्रम की मैं बात नहीं कर रहा, ये जो पीछे है उसके ये वाला। और ये जो कैमरा वीडियो के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये भी 4K है और इसकी भी लेवल ऑफ क्लैरिटी देख लें आप मैक्सिमम होती है, लेकिन ये जो अब कैनन 1300D रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला है ना एक लेवल था, एक एंड था, लाइक लिटरली शॉकिंग था हमारे लिए। क्लैरिटी चेक करें आप, कैनन कैमरा और सिग्मा लेंस सामने वाला है वो देखिए कितना दूर है, हकीकत है असल देख के आंखों से नजर नहीं आ रहा है कि उसके ऊपर क्या पड़ा है। तो चेक करें कि वो चीज़ उसने दिखा दी है जो ऊपर उसके मतलब वो जो पड़ी देजगा सा को पड़ा हुआ है और वो वैसे आंखों से नजर नहीं आ रहा। एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाने से पहले जब मैं इस पिक्चर को अगर मैं इमेज में ओपन करता हूँ तो जो कैमरा एक्सपर्ट हैं वो इस चीज़ पे क्वेश्चन लाजमी करते हैं और वो ये चीज़ देखते हैं। मैं उनको भी ये दिखा दूँगा, ये देख लें आप डिटेल ये किस पिक्चर से ली गई है और फोकस लेंथ भी आप देख सकते हैं कि 300mm है। तो इसके बाद इसको जब मैंने PC पे खोला तो ये मजीद भी ये मजीद भी इन हो रही थी, लाइक ये अगर डिस्टेंस ये 300 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस बन रहा था और ये वाकई हमें आंखों से चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। देखें वाईफाई राउटर तक भी आ गया है यार, वाईफाई राउटर तक भी लगा हुआ आ गया है, तो एक कमाल का रिजल्ट था, ये बहुत मज़े की चीज़ हुई। हाँ जो फंक्शंस है वो मैं ऑटो पे नहीं कर रहा, मैं AV पे कर रहा हूँ। AV पे क्या होता है, अपर्चर होता है और ब्राइटनेस होती है जिसको ISO बोलते हैं, वो ऑटो रहता है। एक और क्लिक करूँगा मैं वो किसी जिस तरह प्रिंट आउट स्टिल
स्टिल क्लिक किया है इसने, देखें और डिस्टेंस देख लें आप कितना ज़्यादा, लाइक बर्ड्स कहाँ पे हैं और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मस्ट सब्सक्राइब अगर आप देखना चाहते हैं लेटेस्ट सेटिंग्स अबाउट लेटेस्ट DSLRs कैमरास एंड फोटोग्राफी।